शहरी पीने के साफ पानी से महरूम, शहर की 24 टैंकियों में से 20 बंद। शहरियों को पंप से दिन भर सिर्फ 4 घंटे पानी मुयसर। एमडी वासा राव कासिम की अनोखी मंत्र, कहते हैं पहले वाटर मीटर लगाएंगे फिर टैंकियां फाल करेंगे। मीटर ना लगने तक पानी की जरूरत पूरी करना किसकी जिम्मेदारी, शहरियों को सवाल। बहावलपुर में मौसमी जुकाम के हमलों में तेजी, वायरस का शिकार होने वाली फरजाना बीबी जिंदगी की बाजी हार गई। इन्फ्लुएंजा के शिकार दो अफराद ताहाल जेरे इलाज। बहावलपुर के सिविल अस्पताल की गलत रिपोर्ट से आवाम परेशानी में मुब्तला। सिविल अस्पताल ने खून का सिया देने वाले तंदुरुस्त नौजवान को एड्स का मरीज बना दिया। दीगर सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरीज ने सिविल अस्पताल की रिपोर्ट गलत करार दे दी। कोट मिठन थाने में मुलजिम को घसीट कर ले जाने का वाकया, वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस, आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब। आरपीओ की जानिब से मुलजिम को ले जाने वाले मुलाजमीन मुअत्तल, मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। जना पार्क रोड, गदाई रोड, जनरल बस स्टैंड और सखी सरवर रोड पर कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को 40,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। हदूद से बढ़कर सामान रखने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए सियाहत के हवाले से अच्छी खबर, जनूबी पंजाब में सियाहत के फरोग के लिए नए मुकामात की बहाली का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से मंसूबे की मंजूरी, सियाहती मुकामात में पानी, सिक्योरिटी और दीगर जरूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सीयू एजुकेशन मुल्तान के इम्तिहानी सेंटर्स में तैनात इसातिज़ा के लिए नए अहकाम। 5वीं जमात के पेपर के बाद इसातिज़ा को बच्चों को छुट्टी तक खेलों में मसरूफ रखने का हुक्म। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अजब कारनामे, पीएमडीसी की मंजूरी के बगैर 8 शोबों का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन न होने वाले कोर्सेज के इम्तिहान लेने से इनका। अहमदपुर सरकिया गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर तारों का जाल, मैपको की ना अहली, बारिश से दीवारों में करंट आ गया, स्कूल के बच्चों को करंट लगने का खतरा। मैपको हुकाम मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद खामोश। मयारी तालीम का नारा लगाने वाली हुकूमत का एमफिल तलबा को झटका, फीस रिफंड प्रोग्राम को ब्रेक लगा दी। बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा का एहतजाज, यूनिवर्सिटी इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ नारे। म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर की जानिब से पुरानी सब्जी मंडी की नीलामी के खिलाफ ताजरों का एहतजाज, लीगी चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी, ताजरों का कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर नीलामी का इल्जाम। रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन तबाहाल, सबसे ज्यादा आमदन के रेलवे स्टेशन की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार, सफाई के भी नाकिस इंतजामात, पीने का साफ पानी और बैठने के बेंचेस की हालत भी अबतर। मुसाफिरों को आला हुकाम से स्टेशन की बहाली की दरख्वास्त। बहावलपुर में तेज बारिश ने तरक्याती कामों के मयार का पोल खोल दिया। सिब्बा बदर शेर में बारिश के बाद सड़क पर गड़ा पड़ गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसा का खदशा। डेरा गाजी खान में गैर कानूनी टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, सिर्फ 3 टूर ऑपरेटर्स को हज कोटा जारी। डिप्टी कमिश्नर इकबाल मजहर महार के गैर कानूनी ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए खसूसी टीमें तश्कील देने की अहकाम। कोट अदू में महकमा लाइफ स्टॉक की कार्रवाई, शादी हॉल पर सप्लाई किया जाने वाला 2 मन मुतरे सेहत गोश्त पकड़ लिया। मुतरे सेहत गोश्त लोडर रिक्शे पर शादी हॉल मुंतकिल किया जा रहा था। चिश्तिया में गन्ने से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के पोल से टकरा गई, पोल और ट्रांसफार्मर मुतासर होने से इलाके की बिजली बंद, ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी।
सरकारी मुलाजमीन की सर्विस बुक और तरक्कियों के इंदराज की मद में करप्शन का इंकशाफ। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर इमरान रजा बासी ने अकाउंट्स ऑफिस के ऑडिटर के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुल्तान हाईकोर्ट में सलमान नईम नाअहली केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। सलमान नईम कहते हैं कि 12 फरवरी को हक और सच की फतह होगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर खुर्शीद का मुख्तलिफ इदारों का दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद जिमनेजियम की मशीनों और सर्किट हाउस में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बहावल नगर के नौजवान पीएसएल की दीवानगी में मुब्तला। पुरजोश जवान मुल्तान सुल्तान की जीत के लिए बुरुमी। और जनूबी पंजाब बादलों की लपेट में, मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। और खानपुर में जालाबारी पोर्टमंडू में बर्फबारी ने कर दिया मौसम ठंडा ठार। दीगर शहरों में ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।